देखो कितने लोगों को समझ में आ गया क्या किया इसमें? ओके बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल एक चीज पूछी गई है कि करंट इसमें ऊपर गया, सेमी सर्कल में घूमा और नीचे आ गया, तो आपको बी कहां निकालना है? नहीं, आपको फोर्स किस पे निकालनी है? पूरी वायर पे। इट इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले ये वायर लें, फ्लेमिंग का रूल, BIL साइन 90, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, B कैसे है? बोर्ड के इनसाइड। करंट कैसे है? ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगी? लेफ्ट। फोर्स आ गई, उतनी फोर्स यहां लगेगी। B कहां पर है? बोर्ड के इनसाइड। करंट कहां पर है? नीचे। फोर्स कहां लगेगी? राइट। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दे विल कैंसल ईच अदर। अब क्या बचा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एक ही तरीका है, डिस्प्लेसमेंट लो। टेढ़ी वायर तो लेनी नहीं है, स्ट्रेट वायर लेते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करो। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आप अपने मन में वायर को ये नहीं लोगे, ये लोगे, जिसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2R। तो वैल्यू क्या लगेगी इस फोर्स की? बी आई लेंथ, लेंथ की जगह 2R साइन 90। और डायरेक्शन बी बोर्ड के अंदर है, क्योंकि सेमी सर्कल में करंट ऐसे गया तो मन में मानो कि इसमें करंट ऐसे गया, तो बी अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स ऊपर। तो आंसर क्या आएगा? बी आई इंटू 2R अपवर्ड्स। पॉइंट समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस कितने लोगों को समझ में आया क्या किया? देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले मैं इसका एक्चुअल तरीका ये बताता हूं कि इसमें हुआ क्या। सबसे पहले आपने बैटरी को किया बंद, दो ये रेल्स हैं और ये रॉड है, रॉड का मास m है, और जब आपने बैटरी को बंद किया तो पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकला, ऊपर गया, घूमा और वापस आ गया, क्योंकि ये कनेक्शन तो बना नहीं हुआ था तो करंट यहां पर तो जाएगा नहीं, क्लोज लूप में जाता है, तो करंट घूम के यहां से यहां आ गया। ठीक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर था? बाहर था, तो बी बाहर है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का। करंट इसमें कैसे जा रहा है? ऊपर, तो बी बाहर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहां लगेगी? रॉड पे टुवर्ड्स राइट। मैं इस पर लगा रहा हूं, इस पे करंट कहां जाने वाला है? ऊपर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बी बाहर है, करंट इसमें ऊपर है इस रॉड पे, तो फोर्स इस तरफ। तो ये रॉड कहां मूव करेगी? टुवर्ड्स राइट। अगर फ्रिक्शन ना होती तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है रॉड? एल। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स टोटल वर्क डन कितना करेगा एंड पे लाने के लिए? एफ इंटू एल।
और एफ की वैल्यू क्या होती है, बी आई, तो मैग्नेटिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, बी आई एल इंटू एल, कोई डाउट इसमें, ठीक, बी आई सॉरी बी आई लेंथ नहीं, बी आई बी, क्योंकि रॉड की लेंथ इसमें एल नहीं है, रॉड की लेंथ इसमें बी है, तो बी आई बी कर देना प्लीज, इंटू वर्क डन निकालने के लिए एल लेंथ किया, कोई डाउट इसमें, तो कुल मिला के मान लो फ्रिक्शन नहीं है, दो मिनट के लिए मान लो भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर देगी, ताकि रॉड कहां चली जाए, एल डिस्टेंस पे इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगी, ठीक हो गया। अभी इस सॉल्यूशन को देखो, फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क डन टोटल कर दिया उसने, अब मान लो रॉड चल पड़ी लेकिन रास्ते में फ्रिक्शन है, ये सारा वर्क डन फ्रिक्शन ओवरकम कर देगी अपना वर्क डन करके, और अल्टीमेटली वो एल तक नहीं पहुंच पाएगा, मान लो वो कहां तक पहुंचा, एक्स तक, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, एफ इंटू एक्स, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए रोकने के लिए, जितना मैग्नेटिक फोर्स ने किया था, तो मैग्नेटिक फोर्स ने कुल मिला के टोटल वर्क डन कितना करना था, अगर फ्रिक्शन ना होती एफ इंटू एल, पर फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो दोनों फ्रिक्शन ने एग्जैक्टली उतना ही वर्क डन किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स एम जी, तो यहां से सॉल्व करके एक्स आ जाएगा। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल है, ज्यादातर न्यूमेरिकल में ना ये नहीं गिवन होता, ज्यादातर न्यूमेरिकल में गिवन होता है कि रॉड चल पड़ी विद द वेलोसिटी ऑफ वी, अगर सेम क्वेश्चन में यही गिवन होता कि रॉड चल पड़ी विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो आप ये बोलते कि रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको किसने ओवरकम कर दिया, फ्रिक्शन के वर्क डन ने, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू एक्स, तो मान लो वो हाफ एम वी स्क्वायर, मान लो 10 जूल है, तो 10 जूल इज इक्वल टू एफ इनटू एक्स, तो वहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मान लो 10 जूल है, 10 जूल इज इक्वल टू एफ इनटू एक्स, एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो आप पहले टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लें बिना फ्रिक्शन के, फिर ये कहें कि नहीं नहीं वो वर्क डन जो है वो ओवरकम करेगा कौन, फ्रिक्शन का वर्क डन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन एक्स की फॉर्म में निकाले, वहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो रोकी देगी उसे, तभी रुकेगी ना, रॉड को रोकना है, रोकने का मतलब अल्टीमेटली उसने एक्स डिस्टेंस कवर कर लेना है। क्वेश्चन देखो प्लीज पढ़ो, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, नॉर्मली क्या है कि टोटल फोर्स पूछी जाती है, उसने ये पूछा कि करंट 2 एम्पियर आया, स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है, तो और बी की वैल्यू 0.1 टेस्ला है, आपको ये बताना है फोर्स ऑन फोर साइड्स ऑफ फ्रेम, चार साइड है फ्रेम के, तो एक एक साइड पे कितनी फोर्स है इसकी वैल्यू बताओ,
रूल नंबर वन, अगर यहां से 2 एम्पियर करंट आया, आधा इस तरफ से जाएगा, आधा इस तरफ से जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा 1 एम्पियर, यहां से क्या जाएगा 1 एम्पियर, तो टोटल वापस 2 एम्पियर। तो स्क्वायर फ्रेम की साइड में 1-1 एम्पियर करंट ही होगा सिर्फ, क्लियर है? तभी मैंने स्टार लगा के 2/2 किया, यानी कि 1 एम्पियर। तो इस वायर में, एक वायर में फोर्स कितनी लगेगी, बी आई एल साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें बोर्ड के बाहर है और लेंथ ऐसे है, फील्ड बाहर है, तो बी आई एल साइन 90। बी कितना है 0.1, करंट कितना है 1 एम्पियर, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर की, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लो, साइन 90। इतनी फोर्स ईच वायर पे, एक वायर पे पूछा तो हर वायर पे इतनी ही फोर्स लगेगी, ठीक है? तो पर वायर समझ में आया, पॉइंट समझ में आया कि करंट इसमें क्या लेना है, एक साइड में 1 एम्पियर, ठीक है? डाउट है कार्तिक, पूछ ले। टोटल फोर्स देखो, दो तरीके हैं, सुन लो एक मिनट प्लीज, ध्यान से सुन लो। अगर कोई ये पूछे कि मुझे फोर्स सिर्फ यहां चाहिए डीसी पे, मैग्नेटिक फील्ड कहां है बाहर, डीसी में करंट कहां है इस तरफ, फोर्स कहां आएगी नीचे, ठीक? कोई कहेगा नहीं मुझे फोर्स की डायरेक्शन यहां चाहिए, फील्ड कहां है बाहर, करंट कहां पर है नीचे, इसमें करंट नीचे है, फोर्स कहां लगेगी इस तरफ। आप हर वायर की एक एक करके फोर्स निकाल लो, एक तरीका। कोई कहते हैं पूरे लूप पे फोर्स निकाल लो, पूरे लूप के लिए तो देखो यहां से ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, और करंट अल्टीमेटली कहां से कहां आ रहा है, डी से बी। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो हम वर्चुअली इमेजिन करेंगे कि डी और बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, जैसे सेमी सर्कल में नहीं करते, अगर ये सेमी सर्कल होता तो ज्वाइन कर देते, तो जैसी मर्जी है। तो अगर लूप पे फोर्स निकालनी है तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसी इसे ज्वाइन कर दो, ठीक? तो पाइथागोरस से ये साइड निकल जाएगी, तो बी आई एल साइन 90 इस पे लगाओ और बी आई एल साइन 90 नीचे की तरफ से लगाओ, यानी कि डबल रिजल्ट आएगा आपके पास, लेकिन ये तब होगा जब लूप पे फोर्स होगी। आपको पर साइड पे फोर्स पूछी है तो एक एक साइड पे चार आंसर होंगे, और पूरे लूप के लिए, इसके लिए ये डायगनल, इसके लिए यही डायगनल, तो फिर एक डायगनल पे पहले फोर्स निकाल लो, बी आई इंटू लेंथ साइन 90, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। डिपेंड करता है लूप पे पूछा या फिर एक एक वायर पे पूछा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्वेश्चन देखो एक बार प्लीज पढ़ो, क्वेश्चन देखो क्या है।
कितने लोगों को समझ में आ गया कि कैसे किया और क्या क्वेश्चन है और ये किया कैसे? नहीं पूरा नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अच्छा ये देख के भी समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। ठीक है मैं इसको फिर दो लाइन में करके दिखाता हूँ आपको सॉल्व से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है राइट, और एक इलेक्ट्रॉन है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कैसे, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। और मान लो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से रेस्ट पे छोड़ दिया। मुझे ये पता है कि ये पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी करेगी और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है पर प्रॉब्लम ये है कि बीच में क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसा ना मैं साइक्लोट्रॉन सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी था याद करो। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये करता था कि चार्ज पार्टिकल को खींचता था, डीज खींचती थी, और मैग्नेटिक फील्ड उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता था और पार्टिकल को सर्कल में घुमाता था। इसमें भी सेम है, पार्टिकल सीधा जाने की कोशिश कर रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, यानी कि उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल सीधा जा नहीं पाएगा, पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो या तो सर्कल इधर बनेगा या इधर बनेगा, जहां भी बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। अब होगा क्या इसमें, जब ये सर्कल बनेगा तो उस केस में ये देखो ये डायग्राम है। मान लो पार्टिकल इसको टच कर जाता है, देखो बहुत सारे केसेस हैं, पार्टिकल सीधा जाके यहां टच करता है, सर्कल बना ही नहीं पूरा, टक्कर ही हो गई। दूसरा केस है कि पार्टिकल सीधा जाता है और ऑलमोस्ट इस छत को टच करके नीचे आ जाता है, तो एटलीस्ट सेमी सर्कल तो कंप्लीट होता ही है। तो पार्टिकल यहां से गया, हल्का सा टच करता है और सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, तो इसका सेंटर कहीं यहां मिलेगा। तो अगर ये टच करता है तो ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस रेडियस आर हो जाएगा, ये सेमी सर्कल का रेडियस आर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना की बना है डी। तो मेरे को ये पता है कि अगर सपोज करो ये पार्टिकल इसे टच करता है, इट जस्ट टचेस, तो डी किसके इक्वल हो जाएगा आर। आर मेरे को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पार्टिकल को टच नहीं करवाना, तो फिर डी को बड़ा रखना पड़ेगा और आर को थोड़ा छोटा, ताकि नीचे से ही पास कर जाए। तो ये कंडीशन क्लियर है कि अगर वो टच नहीं करता तो डी किससे बड़ा होना चाहिए, आर से। पहला पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो मुझे ये चीज पता है कि जो डी की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन आर, लेकिन मुझे ये भी पता है जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसकी आर की वैल्यू क्या होती है, एम वी बाय पी क्यू। जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो रेडियस का फॉर्मूला हमने किया था, साइक्लोट्रॉन के अंदर भी किया था और इस चैप्टर में भी किया था, और फॉर्मूला क्या था, एम वी बाय बी क्यू। कोई डाउट इसमें? ये भी समझ में आ गया यहां तक, वेयर वी इज दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब मुझे एक चीज का आंसर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आप इसके डायग्राम को देखें, अगर आप इसके इस डायग्राम को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है V, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है V, ठीक। तो मुझे एक चीज पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस में रखा तो इट विल हैव सम एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज एनर्जी। यहां पर स्मॉल V का मतलब वेलोसिटी है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा चार्ज इनटू पोटेंशियल इज एनर्जी। तो पार्टिकल को कितनी एनर्जी मिली, क्यू इनटू वी, और पार्टिकल की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है तो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देनी है, और एनर्जी कितनी देनी है, क्यू इनटू वी, और उससे पार्टिकल अगर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? राइट, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में
वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 2qv बाय एम का अंडर रूट, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाल ली, वेलोसिटी। ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब इस वेलोसिटी को मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, तो जब मैं इस वेलोसिटी को यहां पुट करूंगा तो डी ग्रेटर देन एम बी क्यू, इस वेलोसिटी की जगह अंडर रूट ऑफ 2qv, v फॉर पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय मास m, राइट, पुट कर दिया। या फिर इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रेटर देन अंडर रूट के अंदर ले जाओ सब कुछ, 2qvm, m का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर, अंडर रूट में जाएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से m कैंसिल, q से q कैंसिल, ग्रेटर देन 2vm b स्क्वायर, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, e। तो मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना है आपको, कुछ चेक करो, m वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया प्रूफ? तो दो लाइन में प्रूफ हो गया, सफिशिएंट है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, इस क्वेश्चन को देखो प्लीज, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्राइंगल गिवन है और 60 डिग्री एंगल है, करंट आ रहा है और करंट इस ट्राइंगल से पास होके बाहर जा रहा है। आपको क्या करना है, सेंटर पे क्या निकालना है, फोर्स नहीं, बी, बी निकालने का काम बाइट सेवेट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ करते थे। तो क्वेश्चन बाइट सेवेट लॉ पे, स्ट्रेट वायर, तो एफ इक्वल टू बी आई एल नहीं लगेगा इसमें, बी क्यू वी भी नहीं लगेगा इसमें, तो बी निकालने का तरीका देखें। तो बी हमने कैसे निकाला था, देखो सबसे पहले इसमें हमने ऐसा किया, मनन करंट आया सेंट्रोइड है, आई करंट आधा आधा डिवाइड हो गया, आई बाई टू करंट इधर से आया, आई बाई टू करंट इधर से आया और मिलके आई करंट वापस चला गया, ठीक हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गई। मेरे को ये पता है कि जो मुझे फाइनल बी निकालना है वो कहाँ पे निकालना है, इसके सेंट्रोइड पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं इसमें, ठीक, इस फिगर में एक चीज ध्यान से देखते हैं, सपोज ये एक वायर है, ये वाले, ये वायर के एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करता है, तो ये कंट्रीब्यूट बी में नहीं करेगा, ना ही ये करेगा, ठीक हो गया। ये वायर देखते हैं, ये वायर की वजह से यहां बी निकाल लें, तो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस आर है, कुछ भी आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो वायर के एक एंड से एंगल अल्फा और दूसरे एंड से ये वाला एंगल क्या बनेगा, बीटा। इसको अगर आर ड्रॉ कर लें तो अल्फा और बीटा याद है, बाइट सेवेट लॉ, स्ट्रेट वायर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये वही फॉर्मूला लग रहा है। तो मुझे पता है कि टोटल एंगल 60 है, तो आधा कितना है 30, ये 30 है और आर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एंगल कितना बनेगा 90, तो ये 30 ये 90 एक ट्राइंगल के अंदर, तो ये कितना बनेगा, अगर ये 60 तो सिमिलरली ये भी 60। तो बी का जो फॉर्मूला आएगा इसकी वजह से वो क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर साइन 51 प्लस साइन 52 साइन 60 प्लस साइन 60। क्या है पॉइंट क्लियर है? आपको ना आर की वैल्यू चाहिए नहीं होगी, बताता हूं क्यों, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी वजह से होगी उतनी वैल्यू इसकी वजह से भी होगी, और मुझे पता है कि इसमें करंट इस तरफ है तो बी कैसे आएगा बाहर, और इसमें करंट इस तरफ है तो बी कैसे आएगा इनसाइड, तो आउटसाइड और इनसाइड का अफेक्ट आपस में, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पता लग ही रहा है कि इसकी और इसकी वजह से आंसर कैंसर। क्या है पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट इसमें ऐसे आ रहा है, तो बी कहां निकालना है
बाहर इसकी वजह से कैसे आएगा, बाहर, लेकिन इसकी वजह से कैसे आएगा, इनसाइड। तो ये अफेक्ट भी आपस में कैंसर, तो करना क्या है, नेट आंसर जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है, नेट आंसर तो जीरो हो गया ना, ठीक। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, इट क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखना प्लीज। इस क्वेश्चन को देखो प्लीज। कितने लोगों को समझ में आ गया? देख के समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया है। देखो साफ पता लग रहा है कि इसमें ए बी सी की रेजिस्टेंस आर है, गिवन ही है वो, तो ऊपर की रेजिस्टेंस आर है, नीचे की रेजिस्टेंस टू आर है। तो अगर पीछे से आई करंट आया तो आर और टू आर में अगर रेशियो में डिवाइड होना है, और ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो ऑब्वियस है वी की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो मुझे ये चीज पता है कि ऊपर, जैसे अगर मैं सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछूं, ये आई है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस टू आर है, ऐसे हुआ ना। और मेरा बस सिंपल ये क्वेश्चन है कि आई करंट को कैसे डिवाइड करेंगे इन दोनों में, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो यहां पर करंट है मान लो आई वन, यहां पर करंट है मान लो आई टू। पैरेलल में वी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो ऊपर वाले इसमें v कितना होगा, i1 into r, और इसमें कितना होगा, i2 into 2r। तो यहां से i1 is to i2 की रेशियो कितनी आ गई, 2 is to 1। लेकिन मुझे ये पता है कि टोटल करंट कितना है, i। तो i1 का हिस्सा क्या बनेगा, 2 by 3 into i, और i2 का क्या बनेगा, 1 by 3 into, ऐसे करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, 2 is to 1। तो 2 upon 2 plus 1 into i, और 1 upon 2 plus 1 into y, ऐसे करते हैं। तो समझ में आ रहा है यहां पर i by 3 और 2 i by 3, तो करंट इसमें अनइक्वल होगा। कोई डाउट इसमें? बस करंट आ गया, क्वेश्चन हो गया। कैसे? आपको इसमें b एट द सेंटर निकालना है, b निकालना है, प्लीज फोर्स नहीं निकालने। तो ये वायर, ये जो वायर है ये यहां पे b लगाएगी, ये वायर भी b लगाएगी, ये वायर भी b लगाएगी, और ये भी b लगाएगी, और ये है क्या, स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो एंगल क्या बनेगा इसका, 45 एंड 45। तो ये बाइट सेवेट लॉ से म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय 3 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45, ऐसे होगा। ज्यादा रेजिस्टेंस में, हाँ उल्टा हो गया, इसमें उल्टा हो गया, इसमें उल्टे करंट हैं। ये होना चाहिए i by 3, ये होना चाहिए 2 i, चेंज कर लो प्लीज। ये होगा 2 i by 3,
युवा आई बाई थ्री, क्योंकि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है ना तो उसमें करंट कम होगा, उल्टा बना दिया राइट। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो करंट इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा होगा, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बस उसके बाद बैट सर्वेटो लगा लोगे, स्ट्रेट वायर की वजह से भी, स्ट्रेट वायर की वजह से भी, स्ट्रेट वायर सब में एंगल 45 45 45 एंड बैट सर्वेटो का क्या आंसर आएगा। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है, बाकी आपके होमवर्क है, आपको भी कुछ ट्राई करना है। हाँ, एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, रादर याद आया इसका अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक रॉड है राइट, कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया। क्वेश्चन नंबर वन, क्या इसके अंदर पड़े इलेक्ट्रॉन, मैंने करंट नहीं जनरेट करवाया प्लीज, कोई बैटरी नहीं है बस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? मैंने इस रॉड को उठा के मूव करवा दिया, जैसे ये मेरी रॉड है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को मूव करवाया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़ा हुआ था, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यस कि नो? क्यों करेगा? क्योंकि मूविंग चार्ज है, वो अलग बात है, अकेला चार्ज नहीं मूव कर रहा, मेरी रॉड की वजह से मूव कर रहा है, एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में बी एक्सपीरियंस करेगा, कितना करेगा? बी क्यू वी साइन 90। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कहां पर है? इस तरफ। बी कैसे है? बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी और बोर्ड में, बी में एंगल कितना है? 90, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो बी क्यू वी साइन 90। पहला रूल क्लियर है, कोई डाउट इसमें? डायरेक्शन बताओ कहां लगेगी? फ्लेमिंग का बी कहां पर है? बोर्ड के इनसाइड, और सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट या चार्ज में पॉजिटिव चार्ज, जबकि मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है? राइट, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज कहां मूव कर रहा होगा? लेफ्ट। तो बी, आप ना इमेजिन करो अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो आप ऐसे ही रूल लगाओ, तो फोर्स कहां लगेगी? नीचे। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगी? नीचे। समझाया यहां तक? आपने सेंट्रल फिंगर को इलेक्ट्रॉन के साथ कभी नहीं लेना, आपने इमेजिन कर लेना है कि अगर इलेक्ट्रॉन आए तो प्रोटॉन, या एक ही बात है, तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? या उल्टा भी कर सकते हो, चलो मान लेते हैं कि आप बी यहां लेते हो और इलेक्ट्रॉन के साथ ले लेते हो, तो फोर्स कहां आएगी? ऊपर। पर आपको रूल में कहा गया कि ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज पे लगती है, तो आपकी फोर्स अगर ऊपर आ रही है उसकी डायरेक्शन नीचे कर दो, अल्टीमेटली नीचे ही आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड में कहां मूव कर जाएगा? नीचे, राइट। अब सोचो, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं रॉड को मूव करवा रहा हूं, सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगी? नीचे। सारे इलेक्ट्रॉन उठ उठ के कहां इकट्ठे हो जाएंगे? नीचे, जब तक आप फोर्स लगा रहे हो। आपको ऐसा नहीं था करंट जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए नीचे, करंट जनरेट होगा, और यही अगले चैप्टर की स्टार्टिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के लॉ यहां से प्रूफ है, फैराडे लॉ का। फैराडे ने कहा था ना कि मैग्नेट मूव करवाओ या रॉड को मूव करवाओ, करंट जनरेट होता है। लोग सोचते हैं कि अपने आप कैसे करंट जनरेट होता है, अपने आप नहीं होता, अंदर इलेक्ट्रॉन मूव, रॉड मूव करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना, और जिस वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होना। समझ में आया यहां तक? इसको इंड्यूस करंट बोला जाएगा, आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक है।